पंजाब सरकार की तरफ से चलाई सेहत योजना स्कीमों से पंजाब के लोगों को मिल रहा बड़ा लाभ। सिविल अस्पताल फरीदकोट में बड़ी संख्या में लोगों को दी जा रही हैं सेहत सहूलतें। पंजाब सरकार की तरफ से नई चलाई स्कीम के अंतर्गत लाभ उठा रहे मरीज सुरजीत सिंह और सतीश कुमार यहां इलाज करवाने के लिए दाखिल हुए हैं। इनके साथ बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी टांग बिल्कुल खराब हो गई थी, परंतु जहाँ आकर अब वह ठीक महसूस कर रहे हैं और अब वह बिना लाठी के भी चल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको किसी किस्म की दवा बाहर से नहीं लेनी पड़ रही, सभी दवाएं अस्पताल से ही मिल रही हैं। साडा इलाज बहुत वधिया चल रहा जी, पूर्ण भगत सिंह दे जिहड़े कार्ड बने जी उहदे चल रहे ते डाक्टर अंडगाणे ने बेसुदी इलाज चल रहा जी, बहुत वधिया इलाज चल रहा जी। तो जिहड़ा कार्ड बनया बहुत ही वधिया बनया, जिस नाल मेरा इलाज बहुत वधिया चल रहा। उस मैं बहुत सुविधा मिली है कि भी बाहर कोई दवाई मंगवानी पैंती, मैं जो कुछ मिल रहा मैं उतो ही मिल रहा है। तो दो तीन टाइम मैं जो लोड़ पैंती सिलसिले लाने भजे होंगे भी की तकलीफ की ने, पर जो सुविधा मिल रही मैं बहुत ही वधिया मिल रही है। पंजाब सरकार ने सारे ही जिले के सिविल हस्पतालों अपग्रेड करन दे नाल नाल हर एक तरह दियां स्पैशलिस्ट सेवावां मुहैया करवाइया है। इहदे नाल नाल पंजाब सरकार ने दवाइया की बहुत ही वड्डी मात्रा जिहड़ी है वह सिविल हस्पतालों सप्लाई की है। तकरीबन 200 तो वध दवाइया इस वेले इस संस्था विखे मौजूद हैं, तो मरीज नूं किसी भी तरह की दवाई जिहड़ी है वह बाजारों खरीदनी नहीं पैंदी। इस दे नाल नाल पंजाब सरकार वल्लों जिहड़ी भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥਯ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 100% ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੀ ਐਨ ਏ ਚੈਨਲ ਕੇ ਲੀਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।